दुनिया के अलग अलग देश विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कोई देश सीमा विवाद में उलझा है तो कहीं रणनीतिक विवाद चल रहे हैं। कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर है तो किसी का पड़ोसी जबरदस्ती घुसपैठ में लगा है। ऐसे में अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश छोटे देशों को समर्थन देते हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन, इसराइल और ताइवान की मदद के लिए पैकेज जारी किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चीन जैसे देश बड़े निस्वार्थ मन से छोटे देशों की मदद करते हैं। इनके समर्थन के पीछे इनका अपना बड़ा स्वार्थ होता है। मजबूरी में फंसे देश मदद तो ले लेते हैं, लेकिन वो जल्द ही इनकी मदद और उसके दबाव से मुक्त भी होना चाहते हैं। दरअसल मदद करने वाले देश मदद के बदले उन देशों की धरती और संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन पर विभिन्न तरह के अंकुश लगाते हैं और दबाव डालते हैं। कई बार वो जरूरत के वक्त उचित मदद भी नहीं उपलब्ध करा पाता, जैसा कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका ने किया। यूक्रेन को जब मदद की जरूरत थी तब अमेरिका अपने सांसदों के विरोध से ही नहीं निपट पाया। नतीजतन यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता मिलने में देरी हुई, जिससे रूस को युद्ध के मैदान में बढ़त बनाने का मौका मिल गया और उसने यूक्रेन की महीनों की मेहनत पर पानी फेरते हुए उसके कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब इन इलाकों को रूस से वापस छीनना यूक्रेन के लिए खर्चीला और भारी मेहनत का काम है। इस पूरे घटनाक्रम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने काफी करीब से देखा है और रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने अमेरिकी वादों और उसके भरोसे को भी देखा है। यही वजह है कि मैक्रों जून की शुरुआत में होने वाले यूरोपीय संघ के मतदाताओं को अमेरिका के प्रति आगाह कर रहे हैं। मैक्रों ने यूरोपीय संघ के देशों से संसदीय चुनावों से पहले ब्लॉक के हितों को सुरक्षित करने के लिए निर्णायक बदलाव करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैक्रों ने चेताया कि हमारा यूरोप खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ को यह दिखाना होगा कि वो अमेरिका की जागीर नहीं है और वो ये भी जानता है कि दुनिया के अन्य सभी क्षेत्रों से कैसे बात करनी है। मैक्रों ने यूरोप के लिए खास तौर से सैन्य उत्पादन के मामले में रणनीतिक स्वायत्तता की वकालत की। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को रक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए और स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैक्रों ने कहा कि इससे यूरोपीय महाद्वीप की अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाएगी। मैक्रों ने घोषणा की कि चीन और अमेरिका अब महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सब्सिडी देकर उनका सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने रूस के असंयमित व्यवहार को भी यूरोप के लिए एक प्रमुख खतरा बताया। हालांकि इस मामले में रूस का तर्क है कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका की राह पर चलकर और यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि यूरोपीय संघ मैक्रों की बात को कितनी गंभीरता से लेता है ये चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ के मतदाता दक्षिणपंथी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख करेंगे। मैक्रों का राष्ट्रपति पद भी 3 साल में समाप्त हो जाएगा क्योंकि उनकी राजनीतिक पार्टी ने 2022 में फ्रांसीसी संसद में अपना बहुमत खो दिया। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी राष्ट्रीय रैली पार्टी, जिसके जून में फ्रांस में यूरोपीय संघ के चुनाव जीतने का अनुमान है, उसने राष्ट्रपति की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संसद को भी भंग करने की मांग करने की धमकी दी है।